हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन सब के बीच हमारी स्क्रीन पर आपको अब अवतरित होते हुए दिखाई देंगे मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुबह सुबह लाइव आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन आप हमारे साथ लाइव क्यों जुड़े हैं दर्शकों को पहले ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर से अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये बयान क्या है। कोरोना संकट काल में जनार्दन मिश्रा डीएम बसंत कुर्रे से एक ऐसी मांग कर रहे हैं जिसने सबको सकते में डाल दिया। जी हाँ, बिल्कुल सकते में डाल दिया है सबको। वो सांसद की जिम्मेदारी के साथ साथ अस्पताल में बीमार पड़े कोरोना मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जनसेवा के लिए उनकी ये मांग कुछ हटके है। एक सफाई कर्मी के रूप में मेरी भी नियुक्ति की जा सकती है, और आज भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी उसमें दल में नियुक्ति हो जाए। मुंह पर हरे रंग का कपड़ा बांधे इनसे मिलिए, ये है जनार्दन मिश्रा। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी के सांसद हैं। कोरोना संकट काल में वो देश के नए कोरोना कर्मवीर बनना चाहते हैं, इसलिए तो देखिए ना वो कैसे डीएम से खुद को सफाई कर्मचारी बनाने की मांग कर रहे हैं। मैं खुद उसको सफाई कर्मचारी के रूप में या किसी भी रूप में जो कोरोना दल चौथी मंजिल में काम कर रहा है उसके एक सदस्य के रूप में मेरा भी उसमें शामिल किया जाए। एमपी के संजय गांधी अस्पताल की चौथी मंजिल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां 27 सफाई कर्मचारी हैं। ऐसे में जनार्दन मिश्रा भी उस दल में शामिल होकर अस्पताल में काम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने डीएम बसंत कुर्रे को एक पत्र भी लिखा, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब एक बार फिर सुनिए क्या कहना है सांसद जनार्दन मिश्रा का। उसको सफाई कर्मचारी के रूप में या किसी भी रूप में जो कोरोना दल चौथी मंजिल में काम कर रहा है उसके एक सदस्य के रूप में मेरा भी उसमें शामिल किया जाए, और मैं भी राजनीतिक काम भी करूंगा, चाहे घर में रहूं चाहे यहाँ रहूं। चौथी मंजिल में कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए भी मैं अपने संसद सदस्य होने के दायित्व का निर्वहन करता रहूंगा। जनार्दन मिश्रा इससे पहले दो बार सफाई कर्मी बनने की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांग ठुकरा दी थी। तो जनार्दन मिश्रा खुद हमारे साथ लाइव है, जो कि बीजेपी सांसद है मध्य प्रदेश के रीवा से, इनसे हम बात करेंगे। जनार्दन मिश्रा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो सवाल मेरा ये है आपसे कि आपने जो बहुत बड़ी मांग रख दी है इसमें कई तरह के खतरे शामिल हैं, क्योंकि आप कोरोना वार्ड में जाकर सफाई करने की बात कर रहे हैं, और दूसरा आपने जो खत लिखा है उसका कोई जवाब आ गया? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। नहीं तो ये आपके मन में कैसे आया कि आपको सफाई करनी है? मतलब इतना बड़ा आपने किस तरीके से इनिशिएटिव लिया कि भाई मैं ये करना चाहता हूं? सफाई का काम तो मैं 2014 से लगातार कर रहा हूं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जहां किसी सार्वजनिक स्थान पर मैंने जाकर के शौचालयों की सफाई न की हो। डोर टू डोर रिक्शा कचरा कलेक्शन में डोर टू डोर रिक्शा लेकर के गया। ये तो मेरे जीवन का एक दिनचर्या का भी अंग है सफाई का काम। जहां तक कोरोना वार्ड में सफाई कर्मी बनने का सवाल है, इसके पहले भी लॉकडाउन के तुरंत बाद मैंने सोचा क्या किया जाए, तो कलेक्टर साहब से हमने दो बार कहा कि हमको एक घंटे दो घंटे जहां भी है सफाई का काम मैं कर रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो करना चाहूंगा, मुझे उस दल में भी शामिल कर लिया जाए। जब ये कोरोना के मरीज आए और ये हुआ कि कैसे आए क्यों आए, ये बात सही है कि षड्यंत्र पूर्वक उनको रीवा भेजा गया, लेकिन वो अगर यहाँ रीवा आए तो उनकी कह सकता कि वो एक नगर जनार्दन मिश्रा जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपसे हम संपर्क करने की कोशिश करें, कोई तकनीकी दिक्कत हो सकती है। अपनी तरफ से हम भी चेक कर रहे हैं और अपनी तरफ से आप भी चेक कीजिएगा। जनार्दन मिश्रा जी, अगर आपको मेरी आवाज अब अगर आ रही है तो सफाई कर्मचारी ही क्यों, सांसद साहब आप तो कुछ भी बन सकते हैं, और कुछ भी ना बनकर सबसे बड़ी मदद तो यही है कि आइसोलेट होकर घर में सुरक्षित रह सकते हैं, क्यों सफाई कर्मचारी? मैंने लगातार 28 तारीख से मास्क बनाने का काम किया है, और 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे मैंने मास्क बनाने का काम किया है।
अब दिक्कत यह है कि अगर कोई नहीं करना चाहता है कि ऐसा लगता है कि नहीं ये कोई बवंडर आ गया है, तो बवंडर में अगर जान जाती है तो चली जाए, उसमें इस तरह से परिस्थितियों के में कोई नई चीज नहीं है। सन 1962 के चीन युद्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बर्फीली चोटियों में फौज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के काम किया और वो अपनी आहुति, मैंने ये बात भी अपने पत्र में उल्लेख किया है। और अगर आज आहुति देने का सवाल है, परिस्थितियां है, तो जान की कोई कीमत नहीं है, देश की कीमत है, देश के लोगों के जान की कीमत है, हमारे रीवा जिले के लोगों के जान की कीमत है। इसलिए मिश्रा जी, जो काम आप करना चाहते हैं कोरोना वार्ड में, जो आप काम करना चाहते हैं कोरोना वार्ड में सफाई का, वो प्रशिक्षित लोग ही कर सकते हैं। इसमें आपको भी कोरोना संक्रमण का खतरा है, आपसे संक्रमण आपके परिवार के लोगों को या आप जिनसे मिलने जुलने वाले लोग हैं उनको भी पहुंच सकता है, तो इतना खतरा क्यों उठाना चाहते हैं? ये तो केवल प्रशिक्षित लोगों का काम है। होती तो उसमें दिक्कत कहां से आ गई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लाखों लोगों की जान बचाने के लिए मेरी मौत होती है तो हो जाए, ये कोई नया नहीं है। हमारे देश में 62 में चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बर्फीली चोटियों में जाकर के सैनिकों के कंधा से कंधा मिलाकर अपनी आहुत दी है। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े थे, क्यों जुड़े थे आपने सुन लिया। वो ये कहते हैं कि अगर इस बवंडर में मेरी जान जाती भी है तो इसमें क्या गलत है, लेकिन जान जाना महत्वपूर्ण नहीं। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कह चुके हैं अब जान भी और जहान भी दोनों जरूरी हो चुका है। ऐसे में जान दे के किसी की जान बचाने वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, कोई जंग नहीं। जिस लड़ाई में हम लोग हैं सबको सुरक्षित रहने की जरूरत है। इरादे बहुत अच्छे हैं जनार्दन मिश्रा जी के, वो कोरोना वार्ड में जाके सफाई कर्मी का काम करना चाहते हैं, इससे पहले भी सफाई की मुहिम से जुड़े रहे हैं।